चलेगा दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख विजय स्तंभ की तो एक विजय स्तंभ सबके दिमाग में रहता है चित्तौड़गढ़ वाला इसके अलावा भी विजय विजय स्तंभ है जिसको लेकर हम एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं तो शांति से आराम से सुनिएगा बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ की बात करें साथियों तो ये बयाना के अंदर है तो प्रथम विजय स्तंभ की बात करें तो बयाना के अंदर है और बयाना भरतपुर के अंदर है ठीक है चलेगा ये किसके द्वारा बनाया गया था जो बयाना के अंदर है वो समुद्र गुप्त के द्वारा बनाया गया ये आपको ध्यान रखना है राजस्थान का जो आपके दिमाग में छवि बनती है जिस विजय स्तंभ की वो चित्तौड़गढ़ वाला है तो वो आपके सेकंड है दूसरा है ठीक है और तीसरा अगर बात करें उसके अलावा अठारह की क्रांति का जो विजय स्तंभ है वो अहुआ पाली के अंदर है ठीक है अठारह की क्रांति आपने सबने पढ़ रखा है तो अठारह की क्रांति का विजय स्तंभ अहुआ पाली के अंदर है चले का बात कर लेते हैं साथियों आगे पाकिस्तान विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया गया था तो पाकिस्तान विजय के उपलक्ष्य में जो विजय स्तंभ है वो तन्नोट जैसलमेर के अंदर है उन्नीस के अंदर बनवाया गया तो साथियों याद रहेगा मेवाड़ का विजय स्तंभ जो भी चित्तौड़ का है ठीक है वो किसके द्वारा निर्मित है कुंभा ने बनवाया था ठीक है चलेगा आगे बात कर लेते हैं अगर बात करें परमार कालीन विजय स्तंभ की तो ये जालोर के अंदर है परमार कालीन विजय स्तंभ कहाँ पर है जालोर के अंदर है ठीक है चलेगा प्रतिहार कालीन विजय स्तंभ मंडोर विजय स्तंभ जो कि जोधपुर के अंदर है मंडोर में प्रतिहार कालीन है परमार कालीन आपके जालोर जालोर के अंदर है परमार वंश के जो शासक थे उनके द्वारा बनाया गया और आगे बात करते हैं मेवाड़ का विजय स्तंभ चित्तौड़ में है पाकिस्तान विजय के उपलक्ष्य में आपके तन्नौड़ माता का है अठारह की क्रांति का जो विजय स्तंभ है वो पाली में है और राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ चित्तौड़ है पहला बयाना चलेगा धन्यवाद